हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना बुटीक। और आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए ये मेरे पास ब्लाउज पीस है और ये अस्तर है जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इधर बंद की तरफ से हम निशान लगाएंगे। पहले हमें बैक की कटिंग करनी है, तो इधर से बैक का निशान लगाएंगे। इसकी लेंथ है 14 इंच, प्लस 1 करूँगी। इसमें मैं बैक से तुरपाई वाला नहीं बनाऊँगी, सिलाई लगाऊँगी, तो इसमें प्लस 1 करेंगे। अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो 2 प्लस करेंगे लेंथ में। और इधर से तीरे का निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। शोल्डर की कटिंग के लिए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इनकी चेस्ट है 40 इंचेस, तो 4 प्लस करेंगे। 40 इंचेस का चौथा लेंगे हम, 10 इसमें करेंगे और 3 प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। कमर के लिए मैं अभी निशान नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिटिंग का निशान जिस टाइम लगाऊंगी उसी टाइम मैं कमर की फिटिंग लगाऊंगी। तो ये ब्लाउज की सिंपल तरीके से कटिंग होती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ चेस्ट का निशान लगाकर 3 प्लस करना है, और यहाँ से 1/2 इंच पे कमर के निशान से हमें कटिंग देनी है। इसे अब कटिंग कर लेंगे। पहले हम लाइनिंग को ही कटिंग करेंगे, ब्लाउज को बाद में कटिंग करेंगे। इससे बहुत इजी होता है ब्लाउज की स्टिच करना। और ये फिटिंग के निशान पे एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब मुझे फ्रंट का हिस्सा कटिंग करना है, तो यहाँ ओपन की साइड से मैं निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैक को ही उठाकर यहाँ रखेंगे। क्योंकि फ्रंट वाले में हमें तुरपाई करनी है, तो नीचे से मेरे को 2 इंच का मार्जिन प्लस करना है नीचे की तरफ। इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और इसी के बराबर बराबर से कटिंग करेंगे। ये मेरे ब्लाउज का बैक और फ्रंट मैंने कटिंग कर लिया है। अब मुझे स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स के लिए ये बची हुई लाइनिंग है, इसे हम फोल्ड करेंगे। इसका 4 फोल्ड करेंगे हम। मुझे बाजू की स्लीव्स 3 इंचेस रखनी है, तो मैं इसे 4 इंचेस रखूंगी, प्लस 1 करूंगी क्योंकि सिलाई लगानी है नीचे से फोल्ड करते हुए। और यहाँ से 1 इंच का मैं यहाँ ओपन की तरफ से मैं 1 इंच माइनस करूंगी शेप देने के लिए। इस तरीके से हम इसे अगर आपकी स्लीव्स छोटी है तो यहाँ से 1 इंच की ही 1 इंच का ही माइनस करेंगे। अगर स्लीव्स 5 या 6 इंचेस की है तो 2.5 इंच पे हम यहाँ से कटिंग देंगे। ये 1/2 इंच की अंदर की कटिंग जो हमारे फ्रंट पे आएगी। ये मैंने पूरा ब्लाउज लाइनिंग पे कटिंग कर लिया है। अब मुझे ब्लाउज कटिंग करना है। ब्लाउज की कटिंग के लिए हम इस पे निशान लगाना जरूरी नहीं है, ये जो लाइनिंग कटिंग की है इसे ही हम इस पे रख के कटिंग करेंगे। ये मेरा बैक है, बन की साइड ही रखेंगे और ये फ्रंट
आप अलग अलग रख के भी कटिंग कर सकते हैं या एक साथ ही रख के तीनों कटिंग करनी है। ये मेरा ब्लाउज कटिंग हो गया है। मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग का बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।